हाय फ्रेंड्स, आज हम दिखाएंगे कि एक डोर डिजाइन को कैसे हम पैनल पे सेट करके फिर काटिंग करते हैं। तो पहले देख लीजिए, ये है हमारे पास एक डिजाइन। तो इसका साइज हम देख लेते हैं, ये है डिजाइन। तो इसी डिजाइन को हम अपना हिसाब से किसी भी साइज में सपोज हम सेट करना चाहते हैं तो किस तरह से सेट करते हैं देख लीजिए। पहले इसका साइज देख लेता हूं, देखिए ये 23x42 है। तो हमें तो सिर्फ ये अंदर वाला डिजाइन को सेट करना है। तो सपोज हम एक पेज ले रहा हूं, ठीक है, और इधर विड्थ ले रहा हूं 30 और हाइट ले रहा हूं 60। रिजोल्यूशन को आधा रखेंगे इस तरह का, फिर मिलीमीटर में जाएंगे, ओरिजिन जहां से हम सेट करना चाहते हैं वहां पे सेट रखेंगे, फिर इंची में रख के हम इसको ओके कर देंगे। फिर विंडोज में जाके टाइल वर्टिकली दोनों व्यू देखेंगे, इधर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। तो इधर क्या करेंगे, विड्थ कितना था हमारा 30 और ये था 60, ठीक है। फिर क्रिएट क्लोज, F9 प्रेस करके पेज के मिडिल में इसको रखेंगे। अभी बॉर्डर पे 6 इंचेस करके हमें छूट देना होता है, तो ऑफसेट में जाके इनसाइड 6 इंच ऑफसेट, ठीक है, ये बॉर्डर पे हमने छूट दे दिया। अभी हमें करना क्या है देख लीजिए, मॉडल में जाएंगे, सेट साइज अभी मिलीमीटर में यूनिट को कन्वर्ट करके ओके कर देंगे। फिर क्या करेंगे, रिलीफ में जाके इंपोर्ट, डेस्कटॉप में से ओ वाला रिलीफ ओपन करेंगे, ठीक है। फिर इसी साइज में इसको सेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा साइड में रख देता हूँ, इसके ऊपर क्लिक, फिर इधर डबल क्लिक, फिर इसका जो विड्थ है इधर बिठा देंगे 4, 5, 7.2 और हाइट कितना है 1, 2, 1, 9.2, ठीक है। अप्लाई, डेप्थ हमारा 10 mm में ही रहेगा, डेप्थ को हम बढ़ाएंगे नहीं, तो इधर 10 रख के अप्लाई कर देंगे। फिर क्या करना होगा, इसको सिलेक्ट रख के शिफ्ट प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक और ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके पेज के मिडिल में ले लेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए ये सेट हो गया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो अभी इस डोर को अगर काटिंग करने जाएंगे तो हमें खाली जहाँ पे डिजाइन है इतना सा काटने से हमारा डिजाइन बन जाएगा, बेकार में हम पूरा डोर को काटिंग करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो टूल पाथ कैसे बनाएंगे देखिए, ये डोर का जो आउटलाइन था खाली उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर टूल पाथ में जाकर 10 mm है, सपोज हम डायरेक्टली काटिंग करने चाहते हैं जेड ड्रैपिंग ना करके तो वो भी कर सकते हैं। तो ये टूल पाथ में जाके हम सिलेक्टेड वेक्टर सिलेक्ट करके फिर अपना हिसाब से जो बीट है उसको चुन के काटिंग कर सकते हैं। पर इसमें एक बात है, छोटा बीट से अगर हम यूज करके इसको काटिंग करें तो ये डिटेलिंग अच्छा दिखेगा, और मोटा बीट से करेंगे तो ये डिटेलिंग उतना अच्छा नहीं दिखेगा। और 3 mm का बीट से अगर इसको काटिंग करना चाहे तो एक बार में 10 mm नहीं होगा, 4 mm तक हम यूज कर सकते हैं। तो इधर 4 mm से एक बार देख लेते हैं, 4 mm बॉल नोच सिलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। एडिट 0.5 mm, ओके, सिलेक्ट, सेटअप, ओके, नाम, अब इसका सिमुलेशन देख लीजिए। देखिए तो 4 mm से अगर इसका हम काटिंग करते हैं तो बेहतर रिजल्ट आएगा, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक।